गुड मॉर्निंग, जय श्री कृष्ण। तो स्वागत है आप सबका एक नए व्लॉग में। तो देखिए, इधर चाय बन गई है और उधर ये पतीले में है ना, एक में दूध है और एक में है ना घी बन रहा है, आप देख रहे होंगे। और ये तपेली में जो दूध है ना, वो स्पेशल गाय का दूध मंगाया है। आज हमारे अतु भाई हमारे घर में आने वाले है, तो बस बहुत मजा है। आज मॉर्निंग में तो वो नहीं आने वाला है, लेकिन दोपहर को आने वाला है, इसलिए अभी से है ना गाय के दूध का बंदोबस्त कर लिया है। पापा है ना अभी जाके लेके आए हैं, इसलिए अभी है ना गर्म कर लिया है, क्योंकि वो आए ना तब तक ठंडा हो जाए। तो बस वो आ रहा है, तो उसकी भी तैयारी चल रही है। बस सब लोग बहुत खुश है कि आज अतु आने वाला है। तो बस चाय बन गई है, तो नाश्ता कर लेते हैं। सब लोग रेडी बैठ गए हैं, तो चलिए आ जाइए आप सब लोग भी नाश्ता करने के लिए। तो देखिए, इधर बढ़िया मात्रा में घी बन चुका है, बहुत मस्त स्मेल आ रही है। पहले है ना थोड़ी खराब स्मेल आती है, लेकिन अभी है ना बहुत मस्त स्मेल आ रही है। बस अभी ये मम्मी इसे गाड़ रही है और उसके बाद घी जम जाएगा। और इधर ये देखो, अदरक है ना पूरा धो के ऐसे मस्त रख दिया है। इसको है ना साबुन से नहीं नहलाया है, सिर्फ पानी से नहलाया है। अब वो जाएगा अपने घर में। तो बस ऐसा सब कुछ चल रहा है, चाय नाश्ता हो गया है। अभी क्या है, घर का थोड़ा सा ही काम है, वो कर लेते हैं, उसके बाद फिर से फ्री हो जाएंगे। तो गाइस, बच गए हैं दोपहर के 12 और आज तो हमें ना टोटली तैयार खाने पे आने वाले हैं, क्योंकि आज है ना मम्मी रसोई बना रहे हैं और मेरी फेवरेट वघारेली खिचड़ी और कढ़ी बना रहे हैं। तो खिचड़ी का तो तड़का मम्मी ने लगा दिया है और अभी मम्मी बना रहे हैं कढ़ी। और ये देखो, सब गामडा है ना वो सफरचंद काट रहा है। पूरे दिन इसका यही काम है, सिर्फ खाने का काम, तो कुछ करने का नहीं है, बस ऐसा है सब कुछ। आज तो तेरी फेवरेट वस्तु बनाई से। हाँ वो तो सही है, मुझे भी तेरे हाथ की सब रसोई बहुत पसंद है। खिचड़ी सब सब्जी डाल के, हाँ मसाला खिचड़ी बनाई है तेरे लिए सिर्फ तना वो भावे ने। हाँ तो अभी क्या कर रहे हो तुम? कढ़ी। ओके, और वो खिचड़ी में मम्मी लीली तुवेर डाली या नहीं? वो मुझे बहुत पसंद है। डाली तुवेर, सिंका डाल, मूंगफली, हाँ पची कोबी, रींगण, बटेका, टमेटा, कांदा, टिंडोरा, सब डाला। सरस सरस, मुझे बहुत पसंद है। तो चलिए, कढ़ी के लिए मम्मी ने घी और तेल मिक्स करके गरम करने के लिए रख दिया है। और अभी ये तड़के की तैयारी चल रही है। इधर ये मीठा लिमड़ा है और ये तज लविंग मम्मी निकाल रही है फ्रीज में से। बस तो ऐसा सब कुछ चल रहा है, रसोई चल रही है। मम्मी तो अब मैं फ्री हो गई हूँ, वो कपड़े सूख गए होंगे तो मैं लेके आती हूँ। नहीं नहीं, कपड़ा नहीं सुखाना, बादला जीव से है। हाँ कपड़ा नहीं सुखाना, निराते लाइन पछि मु निराते इस्त्री करीश। तो आज तो मैं बिल्कुल फ्री हो गई हूँ, वीडियो भी बन गया, क्या करूँ अब? चार पांच रोटी लोट बांध दे। ओके चलो कोई बात नहीं, मैं आटा गूंथती हूँ, तब तक है ना ये कढ़ी भी बन जाएगी। और कोई काम है मम्मी मेरे लिए? नहीं कुछ नहीं, आराम करो। रसोई बन गई है अभी ऑलमोस्ट, बस ये कढ़ी का तड़का लगा रही है मम्मी और मैं है ना 4 से 5 रोटी का आटा गूंथ देती हूँ, क्योंकि रोटी है ना मैं तो नहीं खाऊंगी, बाकी जो कोई चाहेगा तो वो खा लेगा। तो थोड़ी सी रोटी बना देते हैं, चलो। मस्त स्मेल आ रही है, देखो ये तड़का लग गया है पूरा, बहुत मस्त स्मेल आई। मुझे तो बहुत पसंद है। मारो लड़को उसको तो वरदान मिला है भगवान से, तुम कैसा भी बना के दोगी ना उसको कुछ ना कुछ तो कम लगेगा ही इसमें। तो उसकी शादी हो जाएगी ना तब हम उसका बदला ले लेंगे, क्योंकि तब तो कुछ नहीं बोलेगा, वाइफ के सामने तो हवा निकल जाती है। अच्छे अच्छे की हमारी इधर काटना कैसे है जी? तो गाइस देखो, खिचड़ी बन गई है इसमें और ये कढ़ी है ना उबल रही है, और ये 4 से 5 रोटी बनानी है। तो मैंने मम्मी को बोला कि मैं बना देती हूँ, तो इतनी 2-3 तो बन गए हैं और ये कभी ये गैस ऊपर है और अभी इतनी बाकी है। तो बस अभी ऑलमोस्ट रसोई कंप्लीट हो गई है, थोड़ी देर में हम लोग खाने के लिए बैठने वाले हैं। तो आप सब लोग भी आ जाइए मेरे मम्मी के हाथ की वघारेली खिचड़ी खाने के लिए। तो गाइस दोपहर के बज गए 12:30, तो आ जाइए कढ़ी और खिचड़ी खाने के लिए और जेठालाल के साथ हर रोज की तरह।
एंट्री हो रही है। अथू हाय, कैसे हो आप? अच्छे तो बस अभी बहुत मजा आने वाला है। देखिए दादी मैं तो चालू भी हो गए हैं। देखिए अथू देखो वो कैसे देख रहा है। अभी आज घर में आए हैं ना तो ऐसे अलग अलग दिख रहे हैं ना, तो फिर सब जगह पे देख रहा है। अभी देखो अंकल आ गए हैं, ये सब मिलके ना इसको हक नहीं लेने देंगे। देखो लेने के लिए अभी देखो झगड़ा भी चालू हो गया। ये देखो अभी भाई पति जा बैठ गए, अभी किसी की बारी नहीं आएंगी। अच्छा देखो आप लोगों को कैसा बोल रहे हैं, इधर देखो इधर। तो ये देखिए हमारा सबसे बड़ा इंजीनियर काम पे लग गया है आते ही। इसको है ना इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स बहुत पसंद है, आते ही अपना काम करने लग गया। इसकी बहुत बड़ी जॉब है, सब लोगों को काम धंधे पे यही रखता है। थैंक यू, आपका ये उपकार जिंदगी भर याद रहेगा मुझे। तो ये देखो अभी दादी माँ की बारी आ गई है। મારું બસલું છે, મારું બસલું ભૂર્યું તો દેખો હમારે અથુભાઈ હે ના ફોર વ્હીલ કી શહેર પે નિકલ ગયે હે। देखो अभी एप्पल दिया है ना सीधा मुंह में, देखो जो भी चीज दो ना सीधा मुंह में ही डालता है तू। तो भाई देखो शाम के खाने की तैयारियां चल रही है, तो भाकरी का लोट बन रहा है इधर, और इधर ये पालक जा रही है। तो मम्मी आज क्या बनाने वाली हो? पालक की सब्जी और सेव टमाटर की सब्जी, दो सब्जी बनने वाली है, रोटला बाजरी का रोटला भाकरी। ओके ऐसा है ना, तो बस ऐसा सब कुछ चल रहा है, रसोई चल रही है। और अभी तो बचे है सिर्फ 6:30 में भी 5 मिनट बाकी है देख लो आप। लेकिन आज अभी से रसोई चालू हो गए है क्योंकि अथू भाई है ना अभी सो रहे है। तो क्या होता है छोटे बच्चे जब सो रहे होते हैं ना, तो हम लोगों को हमारा काम निपटा लेना चाहिए, क्योंकि उसका मूड कब खराब हो जाए ना वो हम बता नहीं सकते। इसलिए अभी वो सो रहा है तो सब काम चालू हो गया है। तो चलिए मैं भी थोड़ी सी हेल्प करवा देती हूँ, तो जल्दी जल्दी रसोई कंप्लीट हो जाए। देखो कितना मस्त सो रहा है, देखो इधर कितना क्यूट दिखता है, छोटे बच्चे है ना बहुत क्यूट दिखते हैं। देखो इधर इधर लाल पड़ रही है मुँह में से, देखो सो रहा है बहुत मस्त है। तो चलिए सोने देते हैं। तो देखो दादा दादी और अथू भाई है ना ये खिलौने से खेल रहे हैं। ये खिलौने है ना मैं महुआ गई थी ना संघेड़िया बाजार, वहीं से लेके आई थी अथू के लिए। तो देखो वो खेल रहा है और देख भी रहा है। बच्चों को क्या होता है ये अटपटे कलर होते है ना येलो रेड वैसा कलर, तो उसको है ना बहुत पसंद आता है, तो वो देख रहा है। देखो साथ में दादी माँ और दादाजी भी खेलने लग गए है, उसको भी टाइम मिल गया है आज। अथू तने रमकड़ू गयु है अथू? अथू देखो ये गाड़ी में अथू भाई बैठा है, उसने तो देखो कान पकड़ के बेचारे की हालत खराब कर दी। तो गाइस रसोई तैयार हो चुकी है, इसमें देखो सेव टमाटर की सब्जी बन गई है, और इसमें बनाई है पालक की भाजी, क्योंकि सब लोगों को सेव टमाटर की नहीं पसंद है और आधे को ये पालक की पसंद है। तो आज दो सब्जी बनाई है, और इसमें देखो रोटला और ये नीचे भाखरी है, और मेरे मम्मी की रोटले की साइज देखो आप। मुझे लगता है ये है ना गाँव की ये चूल्हे की तावड़ी है, ये इसके बॉर्डर टू बॉर्डर यहाँ पर आया होगा, इतना बड़ा रोटला बनाया है आज। तो देखो सब लोग खाना खाने के लिए बैठ गए हैं, और इधर देखो ये महाराज का सिंहासन लग गया है, वो तो खाकर बैठ गया है इधर, और इधर देखो सबका ध्यान उस पर ही है। अथू जो वो वाटकी देखो वाटकी में है ना कुछ पी रहा है, लेकिन उसमें तो कुछ है ही नहीं।
साइकिल? साइकिल चलाओ? कितना ऊपर चाले हो तू भाई? साइकिल चलाओ? ले जल्दी जल्दी अभी ये पुशअप्स करेगा देखना। देखो बहुत इंटेलिजेंट है हमारा लड़का बहुत। तो बस ऐसा सब कुछ चल रहा है। आज तो अथर्व आया है ना, तो घर का माहौल बहुत अलग हो गया है और बहुत मजा आ रहा है। तो बस आज का व्लॉग हम यहीं पे एंड करते हैं। मिलते हैं कल कुछ नए कंटेंट के साथ। तब तक देखते रहिए मेरे वीडियो और एंजॉय करते रहिए। आओ जाओ, बाय बाय, टाटा, सी यू, थैंक यू।